वेलकम बैक टू द सिंह फैमिली। यहाँ पर है मिस्टर राज जो गाड़ी चलाकर मुझे लेकर जा रहे हैं चौथी बार मेरा वैक्सीन लगवाने। वैसे दो ही बार डोज लेनी पड़ती है पर मेरी दोनों बार क्या तीनों बार क्या चौथी बार भी नहीं लगी है। तो चौथी बार तीन बार नहीं लगी है, चौथी बार मत बोलो नहीं लगी, अभी पहुंच चुके। हाँ हाँ नहीं, चौथी बार लगाने जा रहे हैं और होपफुली आज लग जाए। भगवान को भी बोल कर आई हूँ कि आज लगाई दो, मतलब बस हो गया अभी। और सुबह सुबह हल्का फुल्का ट्रैफिक भी है, मौसम बहुत अच्छा है, देखिए बादल एकदम अच्छे लग रहे हैं। वैसे राज की भी अभी वैक्सीन लगी नहीं है, तो मेरी वैक्सीन जब लग जाएगी उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो भी लगा लेंगे, क्योंकि अगर वैक्सीन से मुझे कुछ मतलब फीवर वगैरह हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए बारी बारी हम लेंगे। तो ये अपोलो का सेंटर है जहाँ पर ऑलरेडी मुझे बाहर से ही कुछ लोग दिख रहे हैं, मतलब पता चल रहा है कि हाँ लोग हैं वैक्सीन लेने के लिए काफ़ी। इसलिए मैंने सुबह का स्लॉट लिया था कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि अनिका और मैना दोनों घर पर अकेले हैं। अनिका का वैसे बैक टू बैक दो ऑनलाइन क्लास है अभी, तो शायद उसे मेरी ज़रूरत तो नहीं लगेगी इस समय, बट स्टील एक वो अंदर रहता है ना कि ज़रूरत लग गई तो। तो पार्किंग तो मिल ही नहीं रही है, और यहाँ से उतरने के लिए राज को रास्ता भी नहीं, क्योंकि उधर कीचड़ है, सुबह का समय है, ज़्यादा लेट नहीं आए हैं हम लोग, कितने बजे थे सुबह के 10:30 है ना। COVID-19 वैक्सीन सेंटर अपोलो क्लिनिक, यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है, मेरा 18वां नंबर है। मैं एक्साइटेड हूँ अपने वैक्सीन के लिए। फाइनली वैक्सीन लग गई है, नहीं दिखता नहीं है इसमें कुछ, दिखता वगैरह नहीं है कि लगी है नॉट, फाइनली बाद में पता चलेगा, होप सो। एंड गाइस मैंने तो सुना था मतलब बाकी जगहों पर नॉर्मली लगता है, यहाँ पर तो इतनी फॉर्मेलिटीज है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। पहले डॉक्टर ने बात की, फिर वैक्सीन लगी, अब वेट हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है। मैं इससे पहले सो काफ़ी अच्छे से सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ वैक्सीन लग गई है, तो सब कुछ सही सलामत है। हम निकल चुके हैं वहाँ से और अब चलेंगे घर। हाँ हाथ में मेरे से फील होने लग गया कि कुछ लगाया, और नींद तो ऐसी आ रही है तगड़ी वाली कि जैसे रात में भी नहीं आती है। फाइनली कोविशील्ड वैक्सीन किरण को लग गई है, ऑलरेडी जैसे बता चुकी हॉस्पिटल के अंदर से उससे रुका नहीं गया, मेरे से मोबाइल ली और बोली पहले मैं ब्लॉक करती हूँ फिर उसके बाद बात करेंगे। तो ये बीच में मैग्नम घुसते जा रहा है। और डोलो 650 खा लिया है, थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा था, है ना, बॉडी पेन हो रहा था और थोड़ा सा सर भारी हो रहा था, और नींद भी बहुत आ रही थी, नींद भी ले चुकी हूँ, डोलो 60 भी खा चुकी हूँ। डोलो 60 नहीं 650। अच्छा 650। तो डोलो भी खिला दिया मैंने इसको, थोड़ा बोली बॉडी पेन हो रहा है, हल्का गर्म भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो खिला दिया कि जिससे बढ़े ना। अब मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है, नींद भी ले लिए मैंने आधा पौन घंटा, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट डोज हो गया है, सेकेंड डोज होगा नवम्बर में, फाइनली तुम्हारा 2022। मेरा मन था कि मैं कोवैक्सीन ले लूँ, क्योंकि कोवैक्सीन में सेकेंड डोज ना 4 हफ्ते के बाद ही था, मेरा बड़ा मतलब पहले 3 साल लेता नहीं, फिर चाहिए कि एक ही बार में ले लो। पर राज मेरे को बोले नहीं तुम कोविशील्ड ही लो, सारी दुनिया ने, हमारे फ्रेंड्स फैमिली ने कोविशील्ड लिया, तुम भी कोविशील्ड, सबने वही लिया है, तो हमने बोला कि कोविशील्ड ही लेते, 400 रुपए भी बचेगा। मेरे को कोवैक्सीन 1200 रुपए का हुआ, 800 रुपए में ये लग जा रही, 780 यहाँ पर मैग्नम खाने में मैडम इतनी बिजी है, मुझे बोलती मम्मी आज तुमको आइसक्रीम चाहिए भी होगी ना, तो भी मैं नहीं दूंगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ पुराना वाला वीडियो एडिट करने, क्योंकि उसको पब्लिश करना है, तो पहले मैं जाके फटाफट एडिट करके पब्लिश कर देता हूँ, फिर आप लोग से बातें करेंगे। किरण को हो गया ही है, सभी बोल रही 2 दिन मुझे काम नहीं करना है। हाँ डॉक्टर ने मुझे बोला पहले हमारा मतलब पूरी दुनिया काम कर रही है, नहीं डॉक्टर ने बोला कि नो स्टैंडिंग वर्क, प्लीज टेक रेस्ट। मैंने बोला ओके डॉक्टर, पहले बोल देते मैं 3 बार वैक्सीन ले लेती। ये तो पनिशमेंट मेरे लिए है तुम्हारा। मैंने तो सुबह ही मैना को बोल दिया था, मैना सुबह मेरे से जितना खाना बनवा ले, बनवाना है बनवा ले, मैना बना रही है। शाम को मैना खाना बनाएगी तो फिर वो मैना ही खा पाएगी। हम नहीं खाएंगे, हम लोग बाहर का मंगवा लेंगे। तुम्हारे लिए तो मैं पनीर पराठा का स्टफ बना दूंगी। आज तो ऐसे भी हम लोग नॉनवेज खा सकते, बाहर से मंगा लेंगे। मेरे को मना किया 3-4 दिन। तुम्हारे लिए मैना बनाएगी ना, तुम्हारे लिए मैना बनाएगी ना। किरण की हालत हो गई है खस्ती,
और जितना वो हिम्मत दिखा के गई थी उतनी ही उसकी पट गई है। पूरा बहुत शरीर दुख रहा है और बहुत फीवर भी है, मतलब फीवर तो मतलब डोलो खा चुकी है, डोलो 650 दो बार सुबह से खा चुकी है। बोन भी दुख रहे हैं और सारी नसें दुख रही है, बोन्स दुख रहे हैं, पूरा शरीर दुख रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। और पूछो मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है पूछो। और मम्मी कह रही थी स्किन को ऐसे ऐसा लग रहा है कि अभी वो वायरस बाहर निकलेगा ऐसे ठू ठू कर करके। अलग ही है भाई, अलग ही है, मतलब खटिया खड़ी हो गई है पूरी तरह से। मेरा हाथ ये काम भी नहीं कर रहा है, मुझे बीच बीच में फील ही नहीं होता ये। तो ये मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसको मैंने फोन किया था तो उसने बोला कि 24 घंटे तक ऐसे परेशानी रहती है फिर ठीक होने लगती है। तो हम लोग 24 घंटा बस गिन रहे हैं, अभी 13 घंटे हो गए लगभग, तो अब बचे हैं 11 घंटे और हम लोग ऐसे गिन रहे हैं। अभी बज रहे हैं रात के 12:10 हो रहे हैं, 11:10 पे तुमको लगा था तो एकदम 13 घंटे हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल का ब्लॉग अभी तक कंटिन्यू है और किरण की हालत उतनी ठीक है नहीं, मतलब वो वैक्सीन का जो फीवर वाला है अभी भी फीवर है। रात में फिर थोड़ा कम हुआ था दवाई खाने के बाद तो सोई थी, फिर अभी फिर सुबह उठने के बाद आ गया तो सो रही है, तो इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई है बनाने की। तो मैंने नाश्ते में बनाया क्या है दिखाता हूँ। किरण उठो, मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा और ये बादाम पर खर भी गोई जाती और जूस है, ये मिक्स बेरी जूस है। तो मैंने नया फूड प्रोसेसर मंगाया आज, पुराना वाला हमारा फिलिप्स वाला बहुत आवाज़ करता था और आटा भी सही से नहीं कूट रहा था दो दिन बाद, तो मैंने इन आलसा था। किरण की तबीयत ठीक नहीं फिर भी वो एक्साइटमेंट में उठ के आ गई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग तो रहा है। मतलब इसके ऊपर भी एक डिब्बा था, अमेजोन का डिब्बा था इसके ऊपर इतना बड़ा, फिर उसके अंदर ये डिब्बा और फिर डिब्बे के अंदर डिब्बा, ये तो एक कलर डिब्बा ही डिब्बा है। इसकी ब्लेड्स भी अच्छी वाली है, उसमें 2 ही ब्लेड्स थी, इसमें 4 एक्स्ट्रा ब्लेड्स है जिसके एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने खोला भी नहीं, मैं इसकी डिटेल्स पहले ही देख चुकी हूँ। डिब्बे डिब्बा डिब्बे डिब्बा कितने डिब्बा। इतनी सारी सामान आ गई है, बहुत सारी, तो ये अच्छा निकल जाए तो मजा आएगा, है ना किरण? बहुत मजा आएगा। हमारी 3 चीजें हमको हटा देनी पड़ेगी किचन से, एक तो मिक्सर, जूसर। अच्छा, हमारे घर में ना खाने की चीजें और किचन की चीजें आती है, हस्बैंड वाइफ दोनों को मजा आती है। हाँ। बाकी घरों में केवल वाइफ को मजा आती है। इसके पीछे रीजन ये है कि मुझे भी कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए किचन की चीज आती है मुझे मजा आता है। ये मैंने ही कल चुपके से रात में ऑर्डर किया था, क्योंकि कल मैं आटा नहीं गूंथ पाई। हाँ, कल किरण आटा नहीं गूंथ पाई, मैंने बोला मंगा देता हूँ, अभी 2-3 दिन कैसे गूंथेगा। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है आटा गूंथने की। हाँ हो गया, नहीं उसको लॉक करो। हाँ, और ये आधा आटा गूंथ चुका था तब राज ने बताया कि मैंने तो फूड प्रोसेसर मंगवाया है। इसमें पानी भी डालना होता है, अपने आप नहीं होता। मुझे क्यों लग रहा है ढक्कन गलत लगाया है, दूसरा वाला चाहिए। तो आटा गूंथने का प्रोसेस स्टार्ट। अनिका अपने सारे किट्स के साथ खेल रही, कुछ कुछ बना रही है। कल जो मैं बुक्स लाया था ना तो उसके साथ बहुत सारी किट्स मिली थी, साइंस किट, आर्ट्स किट। आर्ट्स किट तो अभी खोला ही नहीं लग रहा तुमने। खोला है मैंने। उसमें क्या है? उसमें पेपर्स है, फॉर्म है, सब कुछ है। और ये है साइंस किट को पहले उसने खोल रखा है पूरा। और मैथ्स किट भी मिली है, ये देखिए मैथ्स किट। तो बहुत कुछ मिलती है आजकल स्कूल में, बहुत कुछ देते हैं बच्चों को। मैंने खाने में बनाया है देखिए, ककड़ी का सैलड, गोभी की सब्जी, दाल तड़का और चावल, रोटी, ये सब चीज़ें आज मैंने बनाई है। कैसे लग रहा है? अच्छी बनी, गोभी सब्जी और दाल फ्राई अच्छी बनी। तुम तो खाई ही नहीं हो। खा लो खा लो। तो चलिए हम खाना इंजॉय करते हैं। मैं बनाने जा रहा हूँ अभी हक्का नूडल। नूडल्स को बॉईल कर लिया है और मैंने बहुत सारे सॉसेस लिए हैं, वो जब डालूंगा तो दिखाऊंगा। कुछ वेजिटेबल्स काट ली है जो मेरे पास थी, ऑनियन, गार्लिक बहुत सारा लगता है, ग्रीन चिली लंबा लंबा,
ग्रीन आनियन थोड़ा सा, ऐसा वाइट आनियन थोड़ा सा, कैरेट थोड़ा सा, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च भी डालते हैं पर वो मेरे पास है नहीं, तो चलो बनाते हैं। डालेंगे सबसे पहले तेल 2 टेबल स्पून, सबसे पहले डाल देंगे गार्लिक, गार्लिक का थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, हल्का सा गार्लिक हल्का फ्राई हो गया मेरा, इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और डालेंगे आनियन, आनियन को हल्का ट्रांसपेरेंट होने देंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब डालेंगे इसमें पत्ता गोभी, कैरेट थोड़ा सा, कैरेट बता दूँगा बाद में डालेंगे, हल्का कलर आ जाएगा, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। सोया सॉस मैंने 300 ग्राम नूडल लिया है उसके हिसाब से 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम रेड चिली सॉस और डालेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, विनेगर 3/4 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे, इसमें डाल देंगे नूडल्स को, इसमें डालेंगे चुटकी भर ब्लैक पेपर और एरोमेट पाउडर आपके पास है तो करीब 5 ग्राम एरोमेट पाउडर डालना है, एरोमेट पाउडर आता है अमेजन पे मिलता है और इससे चाइनीज़ खानों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बचा हुआ गाजर डाल देंगे और ग्रीन आनियन डाल देंगे, डिनर में यही है। तो नूडल काफ़ी अच्छा बना था और खा के मज़ा आ गई, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पर आपको जाने से पहले क्या करना है, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए अगर अभी तक नहीं दबाया है। और क्या करना है, खुश रहना है, सबको खुश रखना है, खाते रहना, खिलाते रहना। मैं मिलूँगा कल फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।